कि इटावा की रेलवे स्टेशन को आकर्षक बनाने के लिए यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से जो जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो धनराशि स्वीकृत की गई है, मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे इटावा की स्टेशन एक तरह से जो देश की बड़ी स्टेशनों का जिस तरह का स्वरूप होगा उसी तरह हमारी इटावा की स्टेशन का भी एक भव्य स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा। किसी तरह किस प्रदेश में इटावा जनपद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब ये देश में अंग्रेजों का शासन था तब जब ये रेल लाइन बिछाई गई उसमें इटावा शहर का विशेष ध्यान रखते हुए और इटावा से इस लाइन को स्थापित किया गया और इसलिए इटावा बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और हमारे रेल मंत्री जी ने देश की जो रेलवे स्टेशन हैं उन रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड लेवल की रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं हों, साफ सफाई हो, देखने में बिल्डिंग हो, यात्रियों की सुविधा का विषय हो, खान पान का विषय हो, सभी तरह से जो आधुनिक यात्रियों के लिए जो बड़ी स्टेशनों पर अभी तक जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं उसी बड़ी स्टेशनों से भी सुंदर एक स्वरूप बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इटावा की रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया है, जिसके लिए मैं उनको हृदय से इटावा जनपद की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देता हूं। उन्होंने इटावा जनपद के रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए अभी 33 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें इस पूरे स्टेशन का पूरा स्वरूप परिवर्तित होगा। इसमें हमने पहले से कई तरह की मांगें की थी, इसमें स्वचालित सीढ़ियों से लेकर के वो एपो भी बनाने की दिशा में और यहाँ आगे जो सारा सड़क से लेकर के जो मैदान पड़ा उसको ठीक करने के लिए कई तरह का इस बिल्डिंग में काम होना है। मैं रेलवे डिपार्टमेंट के स्थानीय अधिकारियों से कहूँगा कि इटावा की जो ऐतिहासिकता और सांस्कृतिकता का जो स्वरूप है वो इस नई बिल्डिंग में, नई बिल्डिंग का मतलब इसका जब स्वरूप बदलेगा तो वो परिलक्षित हो, वो दिखाई दे, इसका विशेष ध्यान रखने की कोशिश की जाए। दूसरे मैं ये कहूँगा कि आप जो बना रहे हो, जो आपने तय किया है उसको पब्लिक डोमेन में डाल करके लोगों से सुझाव लेने की भी ज़रूरत है। आप केवल पैसा उल्टा सीधा खर्च किया तो हम लोग विरोध करेंगे, आपत्ति करेंगे, इसलिए हम लोगों से पब्लिक से इसका स्वरूप इतने पैसे में एक बहुत अच्छा स्वरूप बन सकता है जिसके पैसे का सदुपयोग हो और एक रेलवे स्टेशन एक भव्य स्टेशन बाहर से चारों तरफ से दिखाई दे, इसका विशेष ध्यान रखने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं पुनः रेल मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और ट्रेनें जो चलेंगी वो इटावा रुक के जाएंगी और जो पब्लिक के लिए आवश्यक होगी समय के हिसाब से उन ट्रेनों को ठहराव के लिए हम लोग प्रयास करें। वंदे भारत को भी ठहराव के लिए हमने कहा ना कि हम लोग ठहराव की भी मांग करेंगे और ठहराव करवाएंगे। यह हमारी विचाराधीन है, उज्जैन की ट्रेन के लिए जो हमारी एक भिंड तक आती है उसको एक्सटेंशन करने की बात होती, उसका प्रपोजल हमने मंत्री जी को बताया है और मुझे लगता है कि जल्दी हम उस पर चुनाव से पहले उसको चलाएंगे। ऐसे कोशिश ये हो रही है कि हम ये एक साल के अंदर इसको पूरा करें।
लेकिन जैसा काम होगा, अब जैसे पहले चरण में काम कोई शुरू हो गया तो दूसरे चरण में उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रारूप तैयार होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों से भी चाहूँगा, हमारे यहाँ जो डिजाइन के मित्र हों और कोई हो तो वो इसमें सलाह जरूर दें, जिससे इसको और, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, स्टेशन जो बना हुआ है, इसको मैं चाहूँगा यहाँ रेलवे के जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, इस पूरी बिल्डिंग का पहले तो ये बहुत परीक्षण कराया जाए कि इसकी मजबूती क्या है, आगे कितने दिनों तक और ये चल सकती है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो फिर और नई कंस्ट्रक्शन कौन सी जगह हो सकता है, क्या हो सकता है, हमारे पास राइट में भी जगह पड़ी है, लेफ्ट में भी जगह पड़ी है, तो एक अच्छा स्वरूप कैसे विकसित होगा, कैसे बन के तैयार होगा, ये रेलवे के सभी अधिकारियों को चिंता करने की ज़रूरत है, और हम सब जो जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक के लोग हैं, उनसे भी कुछ सुझाव मांगे जाएं, जिससे उसको और अच्छा और बेहतर बनाया जाए।